हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज सेंसस एंड सैंपल मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जो कि ऑलरेडी हमारा कंटिन्यूएशन में है। इसमें हमने 2 वीडियोस कर लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सेंसस और सैंपल मेथड होते क्या क्या हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि सैंपलिंग मेथड्स क्या होते हैं, मतलब सैंपल कलेक्ट जो हमको करना है सैंपल मेथड में, उसके भी अलग अलग मेथड है कि इस तरीके से आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हो। तो उसके कुछ 6 मेथड्स है जो कि आपको नाम अभी के अभी कॉमेंट में लिखना है, जिससे मैं भी तो देखूँ किस किस को याद है, कौन सिर्फ वीडियो देख करके छोड़ देता है, कौन एक्चुअली याद करता है। तो जो सबसे पहले कॉमेंट करेगा मैं उसको कॉमेंट भी पिन करूँगी, ठीक है? तो आपको 6 मेथड्स उनके नाम लिखने हैं, राइट? अब आज का वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, जिसमें कि हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब तीनों ही टॉपिक्स हम बहुत छोटे छोटे से थे, तो ऑब्वियसली मैं 2-2 मिनट का वीडियो तो बनाती नहीं, तो मैंने तीनों ही टॉपिक्स एक ही में कंपाइल करके आज मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूँगी, ठीक है? आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डेटा, जो भी हम सैम्पलिंग मेथड्स जो हैं उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे सेंसस और सैम्पल मेथड जो दोनों हमने पढ़े हैं, उनका एक कंपैरिजन, ठीक है, कि कैसे कैसे हम किन किन बेसिस पॉइंट्स पर कंपेयर कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें ये अलग है वो अलग है, ऐसी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा होगा स्टैटिस्टिकल एरर्स, कुछ एरर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीनों टॉपिक्स आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डेटा की। तो सिंपली इसमें हम समझेंगे कि जो सैम्पलिंग डेटा यानी कि सैम्पल के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस पर क्या क्या असर पड़ता है इन पॉइंट्स का, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है? यानी कि रिलायबिलिटी किसमें हमको अच्छी मिलेगी डेटा की और किसमें ख़राब मिलेगी सिंपली। तो जब हम बात करते हैं साइज़ ऑफ द सैम्पल, अगर हमने जो सैम्पल कलेक्ट किया है उसका साइज़ कैसा है, वो मतलब आप कह सकते हो डिफाइन करेगा कि डेटा की रिलायबिलिटी कैसे होगी। अगर सैम्पल साइज़ बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपने सैम्पल कलेक्ट किया है वो आपका बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपने अच्छा अमाउंट में सैम्पल कलेक्ट किया है, तो आपको क्या होगा, रिलायबिलिटी ज़्यादा मिलेगी डेटा की। पर अगर सैम्पल साइज़ ही छोटा है, मान लो 500 लोगों की स्टडी करी है, 500 में से आपने सिर्फ 10 लोग उठाए हैं एज ए सैम्पल, तो ऑब्वियसली आप कैसे मतलब मैच कर सकते हो? जैसे मान लो मैंने वो चावल वाला एग्जांपल दिया था, पूरा एक बोरी भर के चावल है और आप उसमें जैसे 2 दाने उठाओ और 2 दाने उठा करके चेक कर लो कि हाँ भाई ये सही है, तो आपको लगता है आपके जो रिजल्ट हैं वो रिलायबल होंगे? नहीं ना। तो इसीलिए हमको अगर मतलब आप कह लो सैम्पल साइज़ हमारा थोड़े अच्छे प्रोपोर्शन में नहीं है यूनिवर्स से, ठीक है? मतलब अगर जैसे एक पूरा बोरी चावल है तो आपको काफ़ी सारा चावल लेकर के देखना चाहिए, है कि नहीं? तो इस तरीके से एक अच्छे प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर सैम्पल साइज़ कम है तो आपका डेटा ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा, अगर सैम्पल साइज़ थोड़ा ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डेटा रिलायबल मिलेगा। सेकेंड पॉइंट आता है मेथड ऑफ सैम्पलिंग। अब जो सैम्पलिंग के मेथड्स पड़े थे, अगर हम अच्छा मेथड यानी कि सूटेबल मेथड यूज़ नहीं करें, क्योंकि देखो हर मेथड के लिए मैंने बताया था ये यहाँ सूटेबल है वो वहाँ सूटेबल है, जैसे क्या क्या पॉइंट नाम थे उसके, रैंडम सैम्पलिंग था, एक सिस्टमेटिक था, परपजिव, कन्वीनियंस, तो हर सैम्पलिंग मेथड जो है वो अपना अपना काम करता है, हर अपनी अपनी सिचुएशन में सूटेबल है। तो अगर आप सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्टडी के हिसाब से सैम्पलिंग मेथड चूज़ नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको डेटा जो है मिलेगा, रिजल्ट्स मिलेंगे, वो इतने अच्छे नहीं होंगे ना, रिलायबल नहीं होंगे ना। आपको यूज़ करना है कोई और मेथड, मान लो सिस्टमेटिक मेथड, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग वाला आप यूज़ कर रहे हो रैंडम सैम्पलिंग मेथड, तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, रिजल्ट्स रिलायबल नहीं होंगे। तो मेथड ऑफ सैम्पलिंग ज़्यादा एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टाइम बीता जा रहा है या फिर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपको गलत रिजल्ट्स मिल रहा है, सही एक सूटेबल सैम्पलिंग मेथड यूज़ करना है। थर्ड आता है बायस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड एन्यूमरेटर्स। कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड एन्यूमरेटर्स पता ही है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो अगर कॉरेस्पॉन्डेंट्स और एन्यूमरेटर जो कि आपका स्टडी करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी मेथड से कर रहे हो, सेंसस मेथड से कर रहे हो चाहे सिंपल मेथड से कर रहे हो, तो अगर वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और अगर वो बायसनेस शो करते हैं, तो ऑब्वियसली ये तो सोचने वाली बात है डेटा रिलायबल नहीं मिलेगा। अगर और अगर वो क्या है कि वो बायसनेस शो नहीं कर रहे, वो एकदम मतलब आप कह लो सिंसियरिटी के साथ अपना काम कर रहे हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स आके दे रहे हैं, तो डेटा आपका रिलायबल होगा। लास्ट आता है आपका ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर्स। अब जो एन्यूमरेटर्स हैं मैंने बताया था वो स्पेशली हायर किए जाते हैं इस काम के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है?
तो अब उन एनिमेटर्स को क्या है, ट्रेनिंग भी दी जाती है ऑब्वियसली कि आपको ऐसे ऐसे करना है, और वो कुछ प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं जो कि इस काम में मतलब एक्सपर्ट होते हैं, उनको लोगों से क्वेश्चंस निकलवाना आंसर्स निकलवाना आता है, डेटा कलेक्ट करना आता है, उनसे कम्युनिकेट करना आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उधर उनकी ट्रेनिंग ही अच्छे से नहीं हुई है, मान लो आप किसी नई कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, अब आप जॉब करने जा रहे हो, अब आपकी ट्रेनिंग ही नहीं है, आपको पता ही नहीं उस कंपनी में आपकी आपको काम क्या करना है, आपका क्या काम है, तो आपको कैसे पता चलेगा आप कैसा काम करोगे, बेकार ही तो करोगे, उनको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बेकार मिलेंगे, रिलायबल नहीं मिलेंगे। सिंपली इसमें भी यही है, अगर एनिमेटर्स की ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली उनको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको रिजल्ट्स रिलायबल नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स या फिर हाँ सैम्पलिंग डेटा। क्या क्या चीज़ें हैं, साइज ऑफ सैम्पल, मेथड ऑफ सैम्पलिंग और कॉरेस्पॉन्डेंट्स एनिमेटर्स का बायसनेस, चौथा हो गया ट्रेनिंग ऑफ एनिमेटर्स। ये चारों पॉइंट्स हैं, चारों आप कह लो चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, किसी भी सैम्पलिंग डेटा को अफेक्ट कर सकती हैं, उसकी रिलायबिलिटी को अफेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कंपैरिजन बिटवीन सेंसस एंड सैम्पल मेथड। ठीक है, यानी कि दोनों ही जो मेथड हमने पढ़े हैं इस पूरे चैप्टर में, अब दोनों को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहला पॉइंट आता है कवरेज, यानी कि ये कितना कितना कवर कर रहे हैं। अब देखो सिंपल सा पॉइंट है भाई, ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सेंसस मेथड में हम क्या करते हैं, ईच एंड एवरी आइटम की स्टडी करते हैं, जैसे हमारा पॉपुलेशन सेंसस होता है, और सैम्पलिंग मेथड में हम क्या करते हैं, कुछ इंसान को निकाल लेते हैं, बाकियों की स्टडी नहीं करते, हम उन कुछ ही इंसान की स्टडी कर रहे हैं, कुछ ही आइटम्स की स्टडी कर रहे हैं, और उनके बेसिस पे हम रिजल्ट्स को जनरलाइज कर देते हैं। तो यानी कि इसमें क्या है, अगर हम सेंसस मेथड की बात करें तो उसका कवरेज हाई है, वो सबको कवर करता है, सारे आइटम्स को, पर जो सैम्पल मेथड है वो सारे आइटम्स को कवर नहीं करता। ऐसे ऐसे कंपेयर करते चलना है, सिंपल है, अपने आप से लिख भी सकते हो आप, ठीक है, बस ये पॉइंट्स याद रख लो। सूटेबिलिटी, अब ये सूटेबिलिटी की बात आती है, सेंसस मेथड कहाँ सूटेबल है। अगर हम सेंसस मेथड की बात करें तो देखो पॉपुलेशन वाला जो सेंसस होता है ना हमारा, जनगणना, वो एक एक्सेप्शन है, अभी के लिए उसको हटा दो। देखा जाए तो सैम्पल मेथड जो है आपका वो लार्ज पॉपुलेशन का बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, आपको सबको स्टडी नहीं करना है, आपको कुछ ही लोगों को निकालना है, तो लार्ज पॉपुलेशन पर काम करेगा अच्छा, यानी कि सैम्पल मेथड लार्ज पॉपुलेशन के लिए सूटेबल है। सेंसस मेथड स्मॉल पॉपुलेशन के लिए ही सूटेबल है, क्यों, क्योंकि उस स्मॉल पॉपुलेशन में कुछ ही आइटम्स होंगे तो आप सबको स्टडी कर सकते हो, क्योंकि सेंसस में हमको सबको स्टडी करना है, तो आप सबको स्टडी कर सकते हो। अभी जो हमारा असली वाला सेंसस होता है जनगणना वाला, वो एक एक्सेप्शन है, उसमें हमको सेंसस मेथड यूज़ करना ही है, एक एक को काउंट करना नहीं है, क्योंकि हमको डेटा ही सबसे चाहिए, वो हमारी मजबूरी है, तो उसको अभी के लिए भूल जाओ। पर सेंसस मेथड किसके लिए सूटेबल है, स्मॉल पॉपुलेशन के लिए, सैम्पल मेथड लार्ज पॉपुलेशन के लिए, राइट। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी, अब एक्यूरेसी हमको कहाँ से ज़्यादा मिलेगी, देखो जब हम एक एक चीज़ पढ़ लेंगे, मान लो आपके सिलेबस में आने वाले हैं 10 चैप्टर्स, ठीक है, अब 10 चैप्टर्स आने वाले हैं, अब आप 10 के 10 पढ़ के जाओ तो आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी ना, आप अच्छा कर पाओगे, आप जो आंसर क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर लिख सकोगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छा डेटा आपको मिल जाएगा। पर अगर आप 10 में से सिर्फ 5 ही पढ़ जाओ, 8 पढ़ जाओ, सारे ना पढ़ो, तो ऑब्वियसली आप कुछ क्वेश्चंस छोड़ के ही आओगे, होता है ना। तो यानी कि सेंसस मेथड में जब हम ईच एंड एवरी आइटम की स्टडी करते हैं तो वो एक्यूरेट डेटा देता है हमको एकदम। सैम्पल मेथड में हम सबकी स्टडी नहीं कर रहे हैं, 50 लोग अगर पॉपुलेशन में हैं तो हम 20 की स्टडी कर रहे हैं, बचे हुए 30 जो हैं उनकी स्टडी नहीं कर रहे हैं। मान लो उन 30 में से कोई एक आध ऐसा निकल जाए वो जो सैम्पल से मैच नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट्स पूरे एक्यूरेट नहीं है ना। पर सेंसस में हमने क्या किया, 50 की स्टडी करी है, तो सेंसस में एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं, सैम्पल में लेस एक्यूरेट, इनएक्यूरेट नहीं बोलेंगे, बिल्कुल ही गलत थोड़ी ना मिलते हैं, सही तो मिलते ही हैं सही, पर लेस एक्यूरेट मिलते हैं इन कंपेरिजन टू सेंसस मेथड, राइट। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्टली कौन सा होता है भाई, कॉस्ट की अगर हम बात करें, कॉस्ट ज़्यादा लगती है सेंसस मेथड में, क्यों, क्योंकि इसमें सबको सारे आइटम्स को इंक्लूड करना है, हर किसी से जाके जानकारी ले रहे हैं, हर किसी से जाके उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको, तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। और सैम्पल मेथड में इतनी कॉस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि आपको तो 50 की स्टडी करनी नहीं है, आपको सिर्फ 20 की स्टडी करनी है, तो कम कॉस्ट लगेगी। और सिमिलरली टाइम की भी अगर हम बात करें तो सेंसस मेथड में ज़्यादा टाइम लगेगा, 50 की स्टडी करो, पर सैम्पल मेथड में सिर्फ 20 की स्टडी करनी है तो कम टाइम लगेगा। नेचर ऑफ आइटम्स, नेचर ऑफ आइटम्स यानी कि आइटम्स कैसे कैसे होने चाहिए,
अगर जब जहाँ भी हम सेंसस मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आइटम्स होते हैं ना वो डाइवर्स आइटम्स होने चाहिए, यानी कि अगर आइटम्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक के हैं यानी कि सबकी विशेषताएं अलग अलग हैं तभी आप सेंसस मेथड यूज करो। क्यों? क्योंकि सेंसस मेथड है ही यही कि आप एक एक बंदे की स्टडी करो, एक एक ईच एंड एवरी आइटम की। तो अगर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आपको सबकी अलग अलग स्टडी करनी पड़ेगी, कुछ से काम नहीं चलेगा क्योंकि सबकी विशेषताएं अलग अलग हैं। यानी सैंपल मेथड में क्या होता है, आइटम्स होमोजीनियस होते हैं। क्यों होमोजीनियस होते हैं? इसीलिए तो हम क्या करते हैं, मतलब चावल क्या है, सारी पूरी बोरी में जो चावल है वो चावल एक ही जैसे है ना, सब वाइट कलर के हैं, उनका साइज़ उनका कलर सब कुछ एक जैसा है, होमोजीनियस है। तभी हम क्या करते हैं सैंपल मेथड ले लेते हैं, हमारी बॉडी में जो पूरा ब्लड है वो सेम है ना, होमोजीनियस है, ऐसा तो नहीं कहीं पर लाल है कहीं पर काला है कहीं पर गाढ़ा है कहीं पर पतला है, तो इसीलिए हम सैंपल मेथड यूज़ कर लेते हैं। पर जहाँ पर हमको अलग अलग चीज़ों की, अब जैसे हमारी कंट्री की बात करें, सेंसस मेथड हम इसीलिए तो यूज़ करते हैं क्योंकि हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं, तो एक जने कुछ एरिया का हम सर्वे करकर पूरी कंट्री का रिजल्ट तो नहीं बता सकते क्योंकि सब जगह अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग उनका पहनावा है, खाना पीना, ओढ़ना, इनकम, सब कुछ अलग है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक जहाँ पर हो वहाँ हमें सेंसस मेथड यूज़ करना है, और सिमिलर या फिर होमोजीनियस आइटम जहाँ हो वहाँ सिंपल मेथड यूज़ करना है। लास्ट आता है वेरीफिकेशन। अब बात आती है जब वेरीफिकेशन की, जैसे हम कोई काम करते हैं, इनफैक्ट आप भी जब आंसर्स लिखते हो क्वेश्चन अपने नोटबुक में एग्ज़ाम वगैरह में, तो लास्ट में फटाफट वेरीफाई कर लेते हो ना सारे के सारे लिखे हैं कि नहीं, सब में प्रॉपर पॉइंट्स हैं कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, वेरीफिकेशन। ठीक है, तो वेरीफिकेशन कहाँ पे आपको लगता है पॉसिबल होगा? ईजिली, ऑब्वियसली सिंपल मेथड में पॉसिबल होगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वहाँ कम आइटम्स की स्टडी कर रहे हैं तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहीं अगर सेंसस मेथड की बात करें तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं, हर एक की स्टडी कर रहे हैं अलग अलग आइटम्स की, तो वहाँ कैसे वेरीफिकेशन करोगे? बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, राइट? टाइम ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, तो इसीलिए वेरीफिकेशन सेंसस मेथड में इतना पॉसिबल नहीं है। सैंपल मेथड में थोड़ा पॉसिबल रहता है कि हम दोबारा से वेरीफिकेशन कर लें, पर क्रॉस चेक कर लें जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपका कंपैरिजन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया विद एग्जांपल्स। तो रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड हो गया, सैम्पलिंग डेटा, और आपका ये कंपैरिजन हो गया दोनों के बीच का। अब आती है बात एरर्स की। अब देखो एरर्स क्या होते हैं, सिंपली जब भी हम कुछ काम करते हैं, आप स्टैट्स को भूल जाओ, कोई भी काम कर रहे हो सकता है आपने एक बार में परफेक्ट कर लिया हो, पर क्या कोई ऐसा काम है कि आपने कभी उस पर कोई गलती ना करी हो? ऐसा तो नहीं होता ना कोई काम होता है उसमें हमसे गलती हो ही जाती है, फर्स्ट ऑफ चाहे हम खाना बनाना हो, साइकिल चला रहे हो, पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्स वाई जी, ठीक है, गेम खेल रहे हो तो उसमें भी गलती हो जाती है, और मतलब बहुत सारी चीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम जब भी कोई स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें भी हमसे ना एरर्स हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, और उन्हीं एरर्स को हमने ना दो पार्ट्स में या फिर दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है स्टैटिस्टिक्स के एरर्स को। तो पहले तो हम इन्हें स्टैटिस्टिकल एरर्स कहते हैं, और दूसरी चीज़ इन्हें हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। ठीक है, अब सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स इम्पॉर्टेंट है ये मैं समझना, इम्पॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, फटाफट समझ आएगा। देखो सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं, सिंपली दीज आर रिलेटेड टू साइज एंड नेचर ऑफ द सैम्पल सेलेक्टेड फॉर द स्टडी। कि जो भी एरर आपके सैम्पल के साइज से, आपके सैम्पल के नेचर से वो है, रिलेटेड है, वो आपका सैम्पलिंग एरर हो जाएगा। कौन से है सैम्पलिंग एरर? साइज और नेचर। क्या याद रखना है? बस साइज और नेचर, साइज और नेचर से रिलेटेड है वो हो जाएगा सैम्पलिंग एरर। अब साइज और नेचर से रिलेटेड क्या ऐसे एरर्स होते हैं जिनसे हमको प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे कि अगर हम साइज़ की बात करें, अगर हम साइज़ की बात करते हैं, जस्ट अभी मैंने बताया था इसमें, ये वाला देखो साइज़ ऑफ द सैम्पल, मैंने क्या बताया था इसमें, अगर कम साइज़ है, ठीक है, सैम्पल साइज़ कम है, तो हमको क्या होगा, मतलब आप कह सकते हो प्रॉब्लम हो सकती है, हमको रिजल्ट्स रिलायबल नहीं मिले। ये सिंपल यही फंडा इधर है, अगर साइज़ कम है मतलब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं है, पूरी एक चावल की बोरी है उसमें से आप दो दाने ले रहे हो, साइज़ कम है सैंपल का, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपको एरर्स मिलेंगे। बात आती है फिर नेचर की।
अगर नेचर कैसा है, नेचर मतलब आप ये कह लो, नेचर की अगर मैं बात करूँ, नेचर अगर क्या है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव है। नॉन रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है। आपने क्या किया है, पूरी क्लास का वो करना है, आपको पूरी क्लास का कुछ सर्वे करना है, 50 स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में, और आपने क्या किया, 10-20 लोगों का सैम्पल ले लिया। 20 लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, या फिर वो 20ों के 20 ही रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे पूरी क्लास को, यानी कि नेचर नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर साइज़ जो है वो स्मॉल है उसका, आपके सैम्पल का। तो क्या होगा, आपको कुछ एरर्स मिल सकते हैं आपके डेटा में, आपके फाइनल रिजल्ट में, आपके आउटकम में, जिन्हें हम सैम्पलिंग एरर्स कहते हैं। तो सैम्पलिंग एरर्स क्या है, दो एरर्स विच आर रिलेटेड टू द साइंस मीन साइज एंड नेचर ऑफ द सैम्पल सेलेक्टेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, वो होते हैं आपके सैम्पलिंग एरर्स, राइट। अब बात आती है नॉन सैम्पलिंग एरर्स की। नॉन सैम्पलिंग एरर्स किससे रिलेटेड होते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर्स रिलेटेड हैं आपके कलेक्शन ऑफ डेटा से, मतलब डेटा कलेक्ट कैसे हो रहा है। ये तो था साइज एंड नेचर, और ये किससे रिलेटेड है, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा कलेक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और उसी बेसिस पे इसके अलग अलग टाइप्स भी बन गए हैं। क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेजरमेंट, नॉन रिस्पॉन्स, मिस इंटरप्रिटेशन, सैम्पलिंग बायस, कैलकुलेशन और अरिथमेटिक एरर, ठीक है। अरिथमेटिक, यहाँ पे अरिथमेटिक आ गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, अब एक एक करके समझते हैं। तो ये तो समझ आ गया, सैम्पलिंग एरर क्या है, साइज एंड नेचर से रिलेटेड है, नॉन सैम्पलिंग कलेक्शन ऑफ डेटा से। कलेक्शन ऑफ डेटा में सबसे पहले आता है एरर ऑफ मेजरमेंट। अब जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो, तो आपका जो मेजरमेंट है, कोई भी चीज़ अगर मेजर करनी है, वो आप गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं है इसमें कैलकुलेशन वाला नहीं है कि आपने कैलकुलेशन गलत कर दी, वो आएगा इसमें, वो इसमें आ जाएगा। मेजरमेंट में गलती मतलब आपने स्केल गलत ले लिया। मान लो आपको डिस्टेंस का अगर कुछ मेजरमेंट करना है, आपको किलोमीटर का स्केल लेना था, आपने सेंटीमीटर का ले लिया। आपको क्या करना था, मतलब लेंथ में मीटर चाहिए था, आपने मिलीमीटर ले लिया, या फिर ऐसी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं मेजरमेंट से रिलेटेड, समझ रहे हो। तो ड्रॉप हो जाता है आपका एरर ऑफ मेजरमेंट। फिर आता है एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स। अगर आप स्टडी कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, पूछताछ कर रहे हो किसी से, क्वेश्चनिंग कर रहे हो, और सामने वाला जो बंदा है रिस्पॉन्डेंट, जो हमको आंसर देगा, वो प्रॉपरली हमको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आंसर ही नहीं दे रहा है, तो वो हो जाएगा एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स। ये तो नाम से समझ आ रहा है। एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन मतलब आपने सवाल कुछ पूछा और उसने समझ कुछ और समझ के आंसर दे दिया। नॉन रिस्पॉन्स में था तो आंसर ही नहीं दिया था, यहाँ पे मिस इंटरप्रेट कर लिया, गलत समझ लिया, आपने पूछा कुछ और उसने जवाब कुछ और दे दिया, तो ये हो जाएगा एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट आता है एरर ऑफ कैलकुलेशन और अरिथमेटिक, जो मैंने बताया कि अगर आप कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, उससे भी आपका सैम्पल का जो मतलब जो आपका स्टडी का रिजल्ट है वो सफ़र करता है, तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन या अरिथमेटिकल एरर। लास्ट आता है आपका एरर ऑफ सैम्पलिंग बायस। सिंपली जब आप सैम्पलिंग कर रहे हो तो सैम्पल कलेक्ट करते वक्त बायसनेस शो कर रहे हो, आपने शायद सारे जो भी आपको इम्पोर्टेंट आइटम्स रखने चाहिए थे सैम्पल में, वो आपने नहीं रखे। जैसे होता है ना, लेट अस सपोज पूरे 50 स्टूडेंट्स का क्लास है, 50 स्टूडेंट्स के क्लास में से आपको 20 स्टूडेंट्स का सैंपल चाहिए जिसमें कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हो। अब आपने क्या किया, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स सारे तो रख लिए, दो स्टूडेंट्स ले रखे क्योंकि आपकी उनसे बनती नहीं थी। तो ये सिंपली सैम्पलिंग बायस है, मतलब पार्शियलिटी है, ठीक है, पार्शियल हो रहे हो आप, तो ये क्या है, एरर ऑफ सैम्पलिंग बायस। तो ये समझ आ गया होगा सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं, साइज और नेचर से रिलेटेड, नॉन सैम्पलिंग एरर कलेक्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड, कलेक्शन ऑफ डेटा में एरर ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, एरर ऑफ कैलकुलेशन और अरिथमेटिक, और पांचवा आपको कौन सा था, एरर ऑफ सैम्पलिंग बायस। सो ये 5 आपको नॉन सैम्पलिंग एरर्स याद रखने हैं और सैम्पलिंग एरर्स भी याद रखने हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो दोनों हैं सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स में से कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर कौन सा ज़्यादा सीरियस है, कौन सा एरर ज़्यादा सीरियस है, मतलब उसको ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, तो वो होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। क्योंकि इसमें इतने सारे आप कह लो कैटेगरीज हैं, मेजरमेंट भी गलत हो गया तो भी एरर, नॉन रिस्पॉन्स हुआ तो भी एरर, मिस इंटरप्रिटेशन हुई तो भी एरर, कैलकुलेशन मिस्टेक है तो भी एरर, और सैम्पलिंग बायस हुआ तो भी एरर। तो सिंपली सैम्पलिंग एरर क्या है, वो सॉरी नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है, वो ज़्यादा सीरियस है, वो कलेक्शन ऑफ डेटा पर बेस्ड है, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड है। ये सिंपली साइज और नेचर से रिलेटेड है।
साइज और नेचर को ये वाला जो एरर है इसे हम थोड़ा बहुत करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि साइज़ है छोटे साइज से हमको रिलायबल रिजल्ट मिल रहे तो हमने साइज़ बड़ा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर अगर नॉन रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स हैं सैम्पल में तो हमने आइटम्स चेंज कर लिए, रिप्रेजेंटेटिव वाले लिए, वो भी कोई चेंज प्रॉब्लम नहीं है। पर ये वाले जो एरर्स हैं ना इनको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, इसीलिए ये वाले एरर्स नॉन सैम्पलिंग एरर्स आपके ज़्यादा सीरियस होते हैं। ये क्वेश्चन आता है मैं इसीलिए इतना जोर दे रही हूँ कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स ज़्यादा सीरियस होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर आपका यहाँ पे लिख देती हूँ मैं लार्जर द पॉपुलेशन साइज लार्जर द स्टैटिस्टिकल एरर, ठीक है, ये रिलेशन है। अगर आपसे कोई पूछ सकता है अगर पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा है तो स्टैटिस्टिकल एरर कम होगा या ज़्यादा होगा, उसमें ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा एरर निकल आएगा ना, राइट। अगर आप कम ले रहे हो, पॉपुलेशन साइज आपका कम है तो आपका एरर कम निकलेगा, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, पर फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डेटा समझ आ गया होगा, दोनों का कंपेरिजन समझ आ गया होगा, स्टैटिस्टिकल एरर समझ आ गए होंगे, और इसी बात पर जल्दी से आप वो सारे ही उनके नाम लिख देना सैम्पलिंग मेथड्स के कमेंट में। फटाफट से मैं रिवाइज करवा देती हूँ, क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में, रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा था हमने, फिर हमने परपोसेस सैम्पलिंग पढ़ा था जिसे हम डिलिबरेट सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं, हमने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग पढ़ा था जिसे हम नहीं इसे हम इसी नाम से जानते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग था जिसे हम मिक्सड सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं, फिर था कन्वीनियंट सैम्पलिंग और एक था कोटा सैम्पलिंग। तो ये सिक्स सैम्पलिंग मेथड्स थे, जल्दी से चेक करना आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं, आपको याद है कि नहीं, ठीक है। और आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई होगी, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, ये चैप्टर का लास्ट वीडियो था, और इसके बाद हम फोर्थ चैप्टर जल्दी से स्टार्ट कर लेंगे, डोंट वरी, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड यस, वन मोर थिंग आई वांटेड टू से कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कॉमेंट्स आ रहे हैं कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ 11th का 12th का, मतलब 11th का इकोनॉमिक्स यानी कि माइक्रो स्टैक्स और साथ ही साथ बिजनेस स्टडीज़, और 12th का भी इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़, तो वो लोग बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हो कि भाई मैं क्वेश्चन आंसर्स भी कराया करूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये वो, तो देखो प्लीज़ इस चीज़ में मुझे बख्श देना, ये चीज़ मैं नहीं करा सकती हूँ, लिटरली मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना सारा टाइम नहीं हो पाता क्योंकि मेरे को अपना भी पढ़ना होता है, मेरे एग्ज़ाम्स हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं इतना सारा टाइम नहीं दे पाती हूँ वीडियोस के लिए। मैं मगर वीडियोस बना रही हूँ और मैं काफ़ी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाती हूँ, डिटेल वीडियोस, कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं, क्लियर हो जाएं। मैं ऐसी कोशिश करती हूँ, एक एक पॉइंट समझाती हूँ। अगर मैं PPT के थ्रू पढ़ा रही हूँ तब तो मैं वन इंक्लूड करती हूँ सब, यस, अगर मैं बोर्ड के साथ पढ़ा रही हूँ सब कुछ, उस पर भी मैं सारे पॉइंट्स लिखती हूँ, जैसे मैंने अभी सारी चीज़ें लिखी हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो ये पॉइंट्स हैं इनको मैंने डिटेल में समझाया है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें आपको वीडियो से ही समझ लो। सिर्फ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली यू कैन टेक्स्ट मी, आप मुझे कमेंट कर सकते हो यूट्यूब के इसी वीडियो के नीचे जो भी आप पढ़ रहे हो, या फिर आप फोकस में मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। आज पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो फंबल कर रही हूँ, वो आवाज़ लड़खड़ा रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। आते हैं लोगों के मैसेजेस आते हैं, ये बता दो दीदी, वो बता दो, तो मैं उनको वीडियो से या कैसे भी समझा देती हूँ जैसे वो समझ सकते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन आंसर्स के लिए मेरे को नहीं बोलना, मैं नहीं करवा सकती हूँ, मेरे पास इतना ही टाइम होता है, वीडियो बनाती हूँ, दैट्स इट, इसके आगे और कुछ भी नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा वन शॉट वीडियोज़ बना दूँगी जब एग्ज़ाम आएंगे, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा, एंड इसके लिए आई एम सॉरी अगेन, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डू गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।